Good morning, everyone. So today I'm going to start the Pythagorean triplets. So what are the Pythagorean triplet? Right? It is given that the for any natural number m greater than 1, m की वैल्यू यहाँ पर 1 से बड़ी होनी चाहिए. सो इस वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए. तो पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट है, यानी कि जो पाइथागोरस जो प्रॉपर्टी है, वहां पर हम क्या करते थे, ठीक है, कोई भी हमारे पास अगर ट्रिपलेट है वो पाइथागोरस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है. यानी कोई भी राइट एंगल, जैसे कि 3 4 5, जैसे 3 4 5 हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है. कैसे, जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है. सो एंड दिस लेंथ एंड दिस लेंथ विल बी वेरी वेरी करेगी. इसको आप 4 सेंटीमीटर अज्यूम कर सकते हो, इसको 5 सेंटीमीटर, इसको 3 सेंटीमीटर अज्यूम कर सकते हो. तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है, जनरली ये जो पाइथागोरस जो प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, हम राइट एंगल के बेस पर इसको डिफाइन कर सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना है 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस इज 4 स्क्वायर. सो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है. आप उसी केस को इस वाले स्टेटमेंट की फॉर्म में आप लिख सकते हो कि अगर m ग्रेटर देन 1, अगर m की कोई वैल्यू है और यहाँ पर m 1 से बड़ा है, राइट, द वैल्यू ऑफ m इज ग्रेटर देन 1, सो फाइनली वी विल गेट क्या कि 2m का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. कहने का अर्थ है यहाँ पर आपके 3 ट्रिपलेट दिए हुए हैं. कौन कौन से ट्रिपलेट है, कौन कौन सा ट्रिपलेट है, 2m, m square minus 1 एंड m square plus 1. ये तीनों क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है. अगर इस वाली कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं तो हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिलेगा. जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 6 8 10. इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा दैट विल बी एम स्क्वायर प्लस 1, राइट, स्मॉलेस्ट होगा दैट विल बी एम स्क्वायर माइनस 1. यानी कि हम कह सकते हैं जिसमें प्लस आ रहा है वो बड़ा है, ठीक है, और माइनस आ रहा है वो स्मॉलर है, सबसे छोटा होगा. एंड ये वाला आपका हो जाएगा 2m, राइट. अब देखिए हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं. Find the square of the following numbers. Numbers 32, 35, 86 and 93 and 71. तो इनका square हम easily find out कर सकते हैं. जैसे 71 का है तो मैं लिख सकता हूँ कि 71 का square I have to find out, so I can write 70 plus 1 का square. इस तरह से this is the A and this is B, right? So what is the value of A? A is 70 and B की value 1 है. We can use here A square plus B square plus 2AB. Because this is identity a plus b का whole square. Okay, so a plus b का whole square जो identity है वो आपका a square plus b square plus 2ab के equal होती है. और जो a b and a b को आप replace कर सकते हो particular value से, क्योंकि a की value यहाँ पर 70 है और b की value कितनी है, 1 है. तो आप इस वाले जो expression है यहाँ पर आप a और b की value put कर सकते हो, तो आपको finally आपको answer मिल जाएगा. या 86 का, अगर 86 का अगर आप स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहते हो तो 80 प्लस 6 का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू यहाँ पर 80 होगा, बी की वैल्यू यहाँ पर 6 होगा. आपको सेम आइडेंटिटी यूज करना है. अब हम पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट है उसको स्टडी करते हैं. पाइथागोरियन ट्रिपलेट कि हुज वन मेंबर इज 6 14, देर आर देर पार्ट्स, ठीक है, देर आर 4 पार्ट्स. पहला पार्ट अगर हम लेते हैं, अगर हमें देखिए जब भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट
हमें लिखने हैं, अगर हम बोला गया है कि स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग गिवन है स्मॉलेस्ट नंबर, तब हमारे जो पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट होता है, देर आर द इफ एम ग्रेटर देन वन देन द टू एम, एम स्क्वायर माइनस वन एंड एम स्क्वायर प्लस वन आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, बट द स्मॉलेस्ट इज दिस वन एंड द लार्जेस्ट इज दिस वन। ओके, अगर स्मॉलेस्ट है तो हम एम स्क्वायर माइनस वन के इक्वल जो पर्टिकुलर जो स्मॉलेस्ट वैल्यू गिवन है उसको लेंगे। जैसे सपोज ये 6 है, ठीक है, तो एम स्क्वायर माइनस वन के इक्वल हम 6 लेंगे। जैसे यहाँ पर हमें क्या है कि हुज वन मेंबर इज 6, तो यहाँ पर कोई आइडेंटिफाई नहीं किया गया है कि ये 2m की वैल्यू है या एम स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू है या एम स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू है। तब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं एम स्क्वायर प्लस वन से। एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 6, ठीक है, लेट करेंगे। तो यहाँ से हमें इंटीजर की वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर हमें इंटीजर नहीं मिलता है तब हम जो दूसरा जो ट्रिपलेट है, ठीक है, जो दूसरा जो ट्रिपलेट का मेंबर है, हम उसके लिए इस वैल्यू को पुट करेंगे। जैसे यहाँ से एम स्क्वायर की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 5, यानी कि स्क्वायर रूट करूँगा मैं तो यहाँ से मुझे एम मिलेगा, यहाँ से मुझे रूट 5, तो ये मुझे इरेशनल नंबर मिल रहा है। ठीक है, दिस इज अ इरेशनल नंबर, दिस इज नॉट अ इंटीजर। सो हम एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 6 हम नहीं ले सकते, ठीक है। सो हम नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर गिवन है कि हुज वन मेंबर इज 6, राइट। वन मेंबर इज 6 मीन्स हम एम स्क्वायर माइनस वन लेकर चलते हैं 6, सो एम स्क्वायर विल बी इक्वल टू 7। अगर स्क्वायर रूट ले हम दोनों साइड, स्क्वायरिंग टेकिंग टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, वी विल गेट एम इक्वल टू रूट 7। टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो एम की वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस रूट 7। बट ये क्या है आपका, ये आपका इंटीजर नहीं है, तो ये वाला जो हमने कंडीशन लिए ये भी हमारी फेल हो गई। अब हमारे पास जो लास्ट जो रिजल्ट मिला, जो ट्रिपलेट का जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जो मेंबर है, क्योंकि हमने एम स्क्वायर प्लस वन ले चुके हैं, एम स्क्वायर माइनस वन ले चुके हैं और 2m जो लास्ट मेंबर है एक बचा है, तो अब हम क्या करेंगे, 2m इक्वल टू हम 6 लेंगे, ठीक है। तो m की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिलेगी, 3। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ से अगर हम 2m इक्वल टू 6 लेते हैं तो हम अब हमें इंटीजर की वैल्यू मिलती है, ओके, तब हमें इंटीजर की वैल्यू मिलती है और तो m इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, अब जो m की वैल्यू हमें मिली है जो पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट है, ठीक है, ये वाला, इसमें हम जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ m को हम m इक्वल टू 3 से रिप्लेस करते हैं। तो अगर मैं m इक्वल टू 3 से रिप्लेस करूँ इसको तो यहाँ मेरा आंसर आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 9, 9 नहीं 10, यहाँ मुझे मिलेगा कितना, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 माइनस 8 और यहाँ मुझे 6, यानी फाइनली मुझे जो वो पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट मिलेगा 10, 8, 6, और वी कैन सी दैट 6, 8 और 10 ये क्या है, तीनों नंबर जो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉर्म करती है। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो वी टेक द वन मोर एग्जांपल। हुज वन मेंबर इज 14। इफ यू टेक द वन मेंबर इज 14, राइट, द पाइथागोरियन ट्रिपलेट आर एम स्क्वायर माइनस वन, 2m एंड एम स्क्वायर माइनस प्लस वन। अगर मैं यहाँ से एम स्क्वायर माइनस वन को अगर 14 के इक्वल लेता हूँ, राइट, तो मुझे यहाँ m मुझे क्या इंटीजर नहीं मिलेगा। आप चेक कर सकते हो क्योंकि यहाँ मुझे एम स्क्वायर इक्वल टू मुझे 15 मिला, तो यहाँ से m इक्वल टू रूट 15 मिलेगा, ठीक। तो कहने का अर्थ है कि यह मुझे अगर मैं एम स्क्वायर माइनस वन अगर 14 पुट करता हूँ तो मुझे m की वैल्यू इंटीजर नहीं मिलेगी। अब मैं क्या लेता हूँ, 2m लेकर देखता हूँ, आई कैन चेक, राइट, सो 2m इक्वल टू 14, सो फाइनली आई कैन गेट m इक्वल टू 7 एंड विच इज इंटीजर, m इक्वल टू 7।
this is integer. Now I can find easily the Pythagorean triplet. So if I put the m equal to 7 in this the Pythagorean triplet, the members, these are the members of Pythagorean triplet. Okay, अगर m को मैं replace कर दूँ इन तीनों में m को replace कर दूँ किससे, 7 से, तो मुझे क्या मिलेगा, 48, 14, 50. तो इस तरह से मुझे ये वाला Pythagorean triplet मिलेगा. तो आप इस तरह से आप चेक कर सकते हो. अब जो भी एक मेंबर गिवन है, कहने का अर्थ है आप m square minus 1 के इक्वल पुट करोगे, 2m की पुट करोगे, m square plus 1 के पुट करके देखोगे कॉरस्पॉन्डिंग किस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग पुट करने पर आपको m आपको इंटीजर मिलेगा. ठीक है, अगर m आपको इंटीजर मिलता है तो जो m की वैल्यू होगी जो भी आपको मिलेगा वो आप जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है उसमें आप पुट कर सकते हो और m को रिप्लेस कर सकते हो, जो भी पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी इस तरह से आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉर्म कर सकते हो.